यकीन रखिए, यकीन में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मजीद, जो लखनऊ के जाने माने डॉक्टर थे। दिल्ली के एक समारोह में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था, और इस अवार्ड को लेकर सिर्फ डॉक्टर मजीद ही नहीं बल्कि पूरा लखनऊ बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर मजीद जो थे वो ना सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर थे बल्कि एक बहुत नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने दिल से अपने डॉक्टर होने के धर्म को निभाया था, और जाने कितने जीवन उन्होंने बचाए थे, और इसलिए तो उन्हें अवार्ड मिल रहा था। डॉक्टर मजीद दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, और किस्मत देखिए कोई नेक्स्ट फ्लाइट भी नहीं थी, सुबह का वक्त था। उन्होंने सोचा कि अवार्ड सेरेमनी तो शाम को है, 6-7 घंटे का रास्ता है लखनऊ से दिल्ली का, तो ऐसा करता हूँ कि बाई रोड चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने फटाफट एक टैक्सी हायर करी और टैक्सी से लखनऊ से दिल्ली के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर तक, लगभग आधे रास्ते तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद अचानक से ड्राइवर कहता है, सर सामने देखिए कितना भारी जाम लगा हुआ है, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो रात के पहले नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप कहें तो आइट साइड से कोई दूसरा रास्ता ट्राई करूं। डॉक्टर मजीद ने पहले तो उसको मना कर दिया, लेकिन जब 10-15 मिनट तक वहां से कोई गाड़ी हटी ही नहीं तो उन्होंने कहा ड्राइवर से, ठीक है भाई कर लो कोई दूसरा रास्ता ट्राई। ड्राइवर ने साइड से सर्विस लेन पकड़ी, और जैसे ही उसको एक पहला लेफ्ट टर्न दिखा वहां से वो टर्न हो लिया। अंदर गलियारों में ऊबड़ खूबड़ रास्तों से होता हुआ वो अंदर घुस तो गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने कहा, डॉक्टर साहब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे पूछूं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वहां एक झोपड़ी दिख रही है, वहां चलकर किसी से मदद मांगते हैं। वहां पहुंचे, गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने आवाज दी, कोई है? एक बुढ़िया अंदर से बाहर आई, हाँ बेटा बोलो क्यों पुकार रहे हो? तो ड्राइवर ने कहा कि माताजी हमें दिल्ली जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं, हम रास्ता भटक गए। तो माताजी ने कहा, जरूर करूंगी तुम्हारी मदद, लेकिन पहले अंदर आकर पानी तो पी लो। माताजी ने उन्हें बिठाया, पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ लेकर आई, बड़े ही मधुर भाव से वो गुड़ और पानी लेकर आई थी। डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने पूछा, माताजी आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो बोली, नहीं बेटा मेरा पोता रहता है मेरे साथ, इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब ये छोटा था, तब से इसकी देखभाल मैं ही करती हूँ, और अब देखो ना ये भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ ही दिनों बाद मुझे छोड़कर चला जाए। ऐसा कहते कहते उनका गला भर आया, रोने जैसी हो गई। डॉक्टर साहब को भी देखकर बड़ा बुरा लगा, और डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को? उसने कहा, ये बेचारा कैंसर का मरीज है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने हाथ खड़े कर दिए, और हर किसी ने कहा कि इसका इलाज सिर्फ लखनऊ के डॉक्टर मजीद कर सकते हैं। मैं कई बार चक्कर काट के आई लेकिन डॉक्टर साहब से मिलना नहीं हुआ, अब तो बस सब कृष्णा पे छोड़ दिया है। अगर कभी भी मैंने सच्चे मन से भक्ति करी होगी और इसकी सेहत चाहिए होगी तो कृष्णा मेरी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर डॉक्टर मजीद के तो जैसे होश उड़ गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने याद किया सुबह से अभी तक का घटनाक्रम, और अब उन्हें समझ में आया कि जो सब कुछ उनके साथ हो रहा था एक्चुअली इस बुढ़िया का यकीन था जो हकीकत में बदल रहा था। एक आश्चर्य अपनी आंखों में लिए रुंधे गले से डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद, और मुझे भेजा है तुम्हारे कृष्णा ने, और तुम चिंता मत करो इसका इलाज आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू करते हैं। ड्राइवर से बोले, चलो ड्राइवर लखनऊ वापस चलना है। ड्राइवर ने कहा, लेकिन सर आपका अवार्ड दिल्ली में जो मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी की लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता, और बस उस बच्चे का इलाज शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों की नजर में डॉक्टर मजीद शायद प्रैक्टिकल नहीं रहे होंगे, जिन्होंने अपना इतना बड़ा अवार्ड छोड़ दिया जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत के लिए उनको सम्मान मिलने वाला था, लेकिन डॉक्टर मजीद जैसे व्यक्ति जानते हैं कि ऐसे समय पर किसी की मदद करके जो सुख मिलता है वो हजारों अवार्ड से बड़ा हो। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर सच्चे दिल से आप भी कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी। उस बूढ़ी औरत की तरह आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं ना, मन में विश्वास रखते हुए उसके लिए कर्म कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन फल कब मिलेगा इस बात को भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, अपने पूरे यकीन के साथ आप कर्म करेंगे ना, तो एक दिन आपके डॉक्टर मजीद भी आप तक चलकर आ ही जाएंगे। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।